जय श्री राम। अज राम तलाई ट्रस्ट वालों फिर हर साल की तरह जो 2015 तो शुरू होया सी ये लगातार इस राम तलाई पावन मंदिर के अंदर ट्रस्ट वालों मनाया जाता, जिदे प्रधान अरुण जी अग्रवाल और सारे सहयोगी सारे ट्रस्ट के मैंबर साहबान। ये सारा लंका दहत का प्रोग्राम, ये सारा इतिहासकार जानते हैं जो लिखे है कि प्रभु माता सीता की खोज में जो श्री हनुमान जी लंका पहुँचे तो उ लंका पहुँच के जो माता सीता शोक वाटिका के अंदर दुखी देखा, जो तो राक्षसों के नाल उन्होंने लड़ाई हुई, लड़ाई तो बाद जो फड़ के हनुमान जी ने खड़िया गया, जबकि हनुमान जी फड़े तो नहीं जा सकते पर वो अपने मर्जी के नाल जो दरबार च पहुँचे रावण वर्गे हंकारी उन्होंने हंकार को मिटाने वास्ते जो उन्होंने जवाब सवाब किए तो उन्होंने उन्होंने पूछ को अग लाई और पवन सुत हनुमान जी ने उस पूछ के नाल सारी सोने की लंका कहते ने जला के खाक कर दी। वो एक बुराई का जड़ा काम चल रहा सी, जड़ा माता सीता के अपहरण तो बाद ये सारा किस्सा होया, पवन सुत हनुमान जी श्री लंका भोग के वापस आए, वो एक जात जड़ी है उसनू ताज़ा करदिया होया पुराना जड़ी बुराई का जिस वेले रावण नू ये दस्या एक हनुमान जी दे आन दे नाल ही लंका जड़ी है जला के चले गए, वो समुंदर पार भी कर गए। और इस तरीके दे नाल हर साल इस करके मनाया जाता है क्योंकि लोगों को संस्कृति सभ्यता दे नाल जोड़न दा एक उपराला है और प्रभु राम दे चरणा दे नाल लाउन दा एक उपराला है, क्योंकि एक धर्म एक ऐसी चीज़ है प्राचीन काल तो अनादि काल तो 500 साल अयोध्या दे मंदिर नू लड़ाई लड़द्या सानू हो गए, देश दे अंदर साधु संतां ने बलिदान दिते और बाबरी मस्जिद ध्वस्त करन तो बाद वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय फैसले के नाल प्रभु राम का मंदिर जनवरी के अंदर बनन जा रहा और अयोध्या के अंदर रामलला जिहड़े अगे विराजमान सी वो वैभव मंदिर जिहड़ा वा उहदा निर्माण जिहड़ा वा बहुत शीघर हो रहा, जिहड़ा जनवरी के अंदर 2023 के अंदर 24 के अंदर बनना और सारिआं दे दर्शनां हेतु वो खोलिया जाएगा। ये सारे बलिदान जिहड़े ने जिहड़े संत समाज ने सारे देश दे एकजुटता का प्रमाण है और ये अंदोलन के पिछे बड़िया बड़िया संगठन दी ताकतां जिहड़ियां ने उन्होंने काम किया और इस अंदोलन के अंदर आ के हुण प्रभु राम का काम है। और आने वाला परसों का दिन अज अं जो कंजकां कीतियां ने नवरात्रियां दी माता की पूजा की है, शब्द शती दुर्गा का पाठ किया और नारी शक्ति का एक जड़ा महम है वो सारी जड़ी है सामने आई है आँदी है और जिसनों नारी शक्ति इस देश पूजा जाता है वह कंजकां दा अज दा दिन है। इस दे पावन दिन के उत्ते जिते परसों बराई का अंत भी होना, रावण भी दशहरा फूकया जाना, इस करके सबनों इस पावन दिन के उत्ते सबनों मैं बधाई दिना और सारिआं नूं इस दिन के उत्ते नवरात्रे की अष्टमी के उत्ते बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम। अज का ये राम तलाई मंदिर के अंदर जो लंका दहन का कार्यक्रम है हर साल इतने बहुत ही धूमधाम नाल मनाया जाता और पूरे पंजाब के अंदर एक बहुत ही वड्डे उत्साह नाल कार्यक्रम जिहड़ा इत्थे लंका दहन का होंदा, इत्थे बहुत वड्डी संगत लोगों की संगत आती है और श्री राम तलाई ट्रस्ट वालों ये जिहड़ा लंका दहन का कार्यक्रम किया जाता। इस दे अंदर पूरा ही जिस तरह लंका नूं दहन किया गया प्रभु
श्री हनुमान जी वालों उस तरह का ही पूरा एक सीन और जिन्या भी बटाले रामलीला होंदिया उत्थे भाग लैंदियां ने और इहदे अंदर जिस तरह सच्चाई की बुराई दे जित हुई और किस तरह रावण की लंका का नाश होया रावण के अहंकार का नाश होया सारा कुछ दस्या जाता और इत्थे आ के लोग जिहड़ा है प्रभु श्री राम का गुणगान करते और प्रभु शाह राम के चरणों च हाजरी लवाते हैं और मैं पूरे ही देशवासियों और पूरे ही बटाला वासियों यह जोगी प्रभु श्री राम के कार्यक्रम जो रामलीला के हो रहे हैं और जिस तरह के प्रोग्राम अजक अपने धर्म के सनातन दो वधाण वास्ते जिन्हें भी कार्यक्रम हो रहे उन्होंने बहुत बहुत बधाई दिना और एक बार फिर इतने आई हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।